दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों, पुलिस को समाज का एक मजबूत आधार स्तंभ माना जाता है, क्योंकि समाज की विभिन्न कड़ियों को जोड़ने वाली अगर कोई होती है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट की फोर्स होती है। और ये लोग अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और उसके अकॉर्डिंग ही चार्जशीट फाइल करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपको पता चले कि एक पुलिस वाला ही जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, वही समाज की बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें करता हो, और फाइनली एक महिला के साथ उसकी ऐसी स्टोरी सामने आती है कि उस महिला की इज्जत उस पुलिस वाले ने तार तार कर दी। और दोस्तों, आप देखेंगे कि जो प्रतिष्ठित अखबार आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, इसके भी मुताबिक आप वेरीफाई अगर करें तो आपको एक ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ भी मिल जाएगी। हालांकि पूरी घटना की कवरेज मैं आपको हिंदी में दोबारा से कवर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, दरअसल ये जो घटना है ये पंजाब में लुधियाना की है। लुधियाना में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको हम और आप साधारण लैंग्वेज में ASI भी बोलते हैं, इसके ऊपर एक FIR बुक की जाती है। और FIR बुक करने वाली कोई और नहीं, वही महिला होती है जिसके साथ इस पुलिस वाले ने उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी थी। दरअसल ये FIR बुक होती है सितंबर के महीने में 2021, यानी 5 महीने पहले। और इस घटना को वेरीफाई करने में, इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने में पूरे 5 महीने का टाइम लग जाता है। और 5 महीने तक वो औरत किस तरीके से एक एक पल उसने ज़िंदगी गुजारी है, शायद उससे बेटर कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, ये जो पुलिस वाला है, दरअसल इस महिला के गांव में किसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जाता है, और इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ये 40 साल की जो महिला थी ये भी वहीं पर खड़ी थी। जब पुलिस किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है तो गांव वालों से या फिर शहरी कस्बे वालों से भी वेरीफाई करती है कि इस घटना में वास्तव में हुआ क्या था। और इसी पूछताछ के सिलसिले में इस ASI की नज़र पड़ती है उस 40 साल की सुंदर महिला पे। दरअसल ये 40 साल ये जो SI था, इस ये उसकी सुंदरता पे फिदा हो जाता है और जानबूझ के उसके साथ फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करता है। बातों बातों में इन दोनों का हंसना मिलना, बातचीत करना शुरू हो गया। और सबसे जो माइनस पॉइंट था उस महिला का, वो ये था कि उसका पति बहुत लंबे समय से एक बहुत ही सीरियस बीमारी से पीड़ित था, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया ASI ने। बातों बातों में उसके घर गया, हालचाल पूछा उससे, और उससे नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है। एक दूसरे के साथ लोग नंबर भी आदान प्रदान कर लेते हैं। फाइनल नंबर लेने के बाद अब ये जो सामने सामने की बातचीत थी ये फ़ोन पे कन्वर्ट हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। दोस्तों के दोस्ती होने के बाद जब इन दोनों का प्रेम संबंध बन जाता है तो ये सिलसिला कंटिन्यूसली चलना शुरू हो जाता है। इस पुलिस वाले ने उस औरत को हमेशा अपने घर से बुला के शहर के 22 अलग अलग होटल्स में ले जाके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब ये 22 होटल में जाने के अलावा जब भी उसको मिलता टाइम, हमेशा इस महिला के घर पे आता। उसी, आप देखिए दोस्तों कि किस तरीके का माइंड होता है लोगों का, कितनी हिम्मत होती है। उसी महिला के घर में उसका पति लेटा हुआ दूसरे कमरे में, और एक दूसरे कमरे में आके वो ASI उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यानी इन दोनों ने जो एक लिमिट्स होती है, उस लिमिट से कहीं आगे बढ़ के वो सब कुछ कर डाला जो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जिसकी इजाज़त समाज किसी को नहीं देता है। इन सब कामों के बाद ये जो महिला होती है ये गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती होने के बाद ये इस ASI से बोलती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। ASI बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तुम ऑलरेडी मैरिड हो। महिला कहती है नहीं, मैं अपने इस वाले पति को छोड़ दूंगी, तुमसे शादी करनी है। लेकिन ASI जब समझ जाता है कि महिला ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसने प्रैक्टिकली पहले ही इस महिला की बहुत सारी ऑडियोज़, बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसी अवस्था में क्लिक कर रखी थी कि महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। क्योंकि वो बोलता था कि अगर तुमने प्रेशर बनाने की कोशिश की तो मैं सारी की सारी जो ये फ़ोटोज़ और वीडियोस हैं मैं शेयर कर दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को भी दिखा दूंगा, तुम्हारे रिलेटिव्स को भी दिखा दूंगा, और दूसरी चीज़ मैं पुलिस वाला हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। एक सामान्य आदमी को अगर एक संभ्रांत पुलिस वाला इस तरीके के वर्डिंग्स यूज़ करे तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला पे क्या गुजरी होगी, उस महिला के दिमाग में क्या क्या नहीं आया होगा। वो महिला परेशान होकर जब हाथ पिनती जोड़ती है, पैर पड़ती है, लेकिन पुलिस वाला समझने का नाम नहीं लेता है। फाइनली इस महिला ने परेशान होकर सीधा ACP ऑफिस में, सीधा कमिश्नर ऑफिस में पहुँचती है, और वहाँ पर एक रिटर्न जो शिकायत होती है वो करती है। और इस घटना के बाद पहले तो पुलिस ने इसको समझा कि शायद ये कोई महिला है जो ऐसे ही आई होगी, लेकिन जब महिला की बातों को गंभीरता से लिया जाता है तो वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने इस इन्फॉर्मेशन को, इस जो पूरी घटना है इसकी जांच की आदेश पारित कर दिया। और इस आदेश के बाद 5 महीने तक कार्रवाई चलती रही, अलग अलग होटलों में इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके घर पर हुआ, अगल बगल वालों से पूछा गया कि क्या ये पुलिस वाला आता था, हर जगह से ग्रीन सिग्नल मिला, और हर जगह
इसी पुलिस वाले की गलती बताई गई। होटल के मैनेजर्स ने क्लियरली वेरीफाई किया कि हाँ, पुलिस वाला हमेशा इस महिला के साथ आता था, और बहुत सारे क्लू मिले, फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो, हर जगह पुलिस वाले की गलती मिलती है। और फाइनली अब ये पुलिस वाला जो है, अभी इसके ऊपर संबंधित धाराओं में केस दर्ज हो गया है और पुलिस अपनी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर रही है। फिलहाल ये पुलिस वाले भाई साहब सस्पेंड हो चुके हैं, इनकी नौकरी जा चुकी है, इस समय जाने के कगार पे है। और पुलिस प्रोसीडिंग्स के बाद जो इनके ऊपर एक्शन होगा, उसको आप डेफिनेटली आप नोट करेंगे कि चाहे पुलिस वाला हो चाहे सामान्य आदमी हो, किसी औरत से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। क्योंकि किसी की भी इज्जत हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसी भी तबके से हो, इज्जत इज्जत होती है, और हमें हम सबको औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपनों का और अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि समय सही नहीं है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।